इधर सीएम नायब सैनी करनाल में पहुंचे और अलग अलग जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार किया। इसी कड़ी में सीएम मॉडल टाउन में पहुंचे, जहां पर उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत। और मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत होगी। वहीं इस दौरान सीएम कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। कमल के फूल यहाँ से खिलाएंगे एक आदरणीय मनोहर लाल जी, यहाँ से बड़े मार्जिन के साथ कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी दिल्ली जी के पास भेजने का काम करेंगे। और दूसरा कमल का फूल चंडीगढ़ के अंदर करनाल के ये सरदारी लेकर के जाएगी, ऐसा आश्वासन आज यहाँ पर दिया है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जो ईमानदारी से हर वर्ग के लिए काम किया है, आज उसका परिणाम है कि लोग एक तरफा वोट आज नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। नहीं देखिए विपक्ष, क्योंकि ये कई प्रकार की इस प्रकार की बातें करते हैं, कई प्रक्रियाएं चल रही हैं, और किसी काम होता है उसका टेंडर पहले हो गया होता है, और जब काम पहले हो जाता है तो वो तो रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क के अंदर चलता रहता है। कांग्रेस के लोग हर चीज़ के अंदर ये राजनीति को ढूंढते रहते हैं, कहाँ पर उनको राजनीति दिखाई देती है। परंतु क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पद है वो संवैधानिक पद है, वो सरकार का वो पद नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो पहले से उसकी प्रक्रिया चली हुई होगी। मोदी जी की तारीखें तय हो गई हैं और जल्दी ही वो हरियाणा के अंदर जब समय आएगा तो समय के ऊपर आपको बता दिया जाएगा। 3 स्थानों के ऊपर वो कार्यक्रम करेंगे और वो स्थान भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। केजरीवाल जी का कहना है कि बीजेपी को वोट ना दे, उन्होंने जेल में डाला। अमित शाह जी भी आएंगे, अभी उनके कार्यक्रम तय नहीं हुए हैं, जो ही कार्यक्रम तय होंगे तो अमित शाह जी।